जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों कमाल के टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, आज दोस्तों टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन का दूसरा एपिसोड आ चुका है। मेटावर्स के टॉपिक को मैं दोस्तों क्लियर किया हूं और बिल्कुल हटके मैं क्लियर किया हूं, बाकियों की तरह घिसा पिटा हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हूं। एकदम नया फ्रेश नॉलेज से भरा हुआ, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ टॉपिक है, जल्दी जाओ देखो, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, कुछ नया करने का कोशिश किया हूँ। आई बटन पे वीडियो दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देख लेना। और मोटो जी स्टाइलस 2021 भी कल लॉन्च हो गया था, मोटो जी स्टाइलस 2022 भी लॉन्च हो गया था, उसको भी जाके देखना है तो देख लेना, आई बटन में उसका भी वीडियो मिल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोज को चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छे वीडियोज बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट काफी अच्छा है। देखो यार, मैं आपको करीबन एक हफ्ते पहले कहा था ना कि Redmi K50 सीरीज के स्मार्टफोन्स चाइनीज न्यू ईयर के बाद जो हॉलीडेज होंगे उनके बाद लॉन्च हो जाएंगे चाइना में। तो आज दोस्तों एक डेट सामने आ गया है, फरवरी के 15 तारीख को Redmi K50 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो जाएंगे। और वैसे भी कुछ कुछ रूमर्स हैं जो कहते हैं कि कल हम लोगों को पता चल जाएगा ऑफिशियली कि Redmi K50 सीरीज के स्मार्टफोन्स कब लॉन्च होंगे। तो जो जो इन्फॉर्मेशन थे मैं आपको बता दिया, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही ज्यादा सीरियस है। फेसबुक इंस्टाग्राम आने वाले टाइम में यूरोप में शटडाउन हो सकते हैं। अब ऐसा किस लिए होगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का पैरेंट कंपनी है मेटा, वो यूरोप में जितने भी डेटा को कलेक्ट करता है ना, उन सारे डेटा को यूएस के सर्वर पर रखता है अमेरिका में। तो यूरोपियन गवर्नमेंट को ये बात अच्छा नहीं लग रहा है, वो कह दिया कि हमारे लोगों का डेटा हमारे देश में ही रखो, इसको कहीं और बाहर मत निकालो। मेटा बोल दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम फेसबुक इंस्टाग्राम को यूरोप से शटडाउन कर देंगे। देखना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यूरोपियन गवर्नमेंट और मेटा के बीच में सुलह हो जाएगा, बीच का रास्ता निकलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब यूरोप कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, बहुत ही बड़ा जगह है और बहुत ही बड़ा मार्केट है फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है ना। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बस ऐसे ही हो रहा है, वैसा वैसे ही कुछ अगर अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों मैं आपको कहूं कि Google Pixel 6 Pro अभी इंडिया में लॉन्च हो गया है, आप इसको Amazon इंडिया के ऑफिशियल ऐप से खरीद सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से, आप इस बात को मानोगे? नहीं मानोगे ना, लेकिन ऐसा हुआ है। 1,04,000 रुपए के प्राइसिंग के साथ Google Pixel 6 Pro Amazon इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों जो सेलर है ना, वो जो सेलर है जो इस Google Pixel 6 Pro को सेल कर रहा है, उसके पास शायद कुछ यूनिट्स होंगे, इसी वजह से वो इंडिया में लोगों को सेल कर रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाओ Google Pixel 6 Pro को खरीद लो 1,04,000 रुपए देके, फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ। बस ये अपडेट था तो मैं आपको बता दिया। गूगल कहीं पर भी ऑफिशियली नहीं कहा है कि हम लोग गूगल पिक्सल 6 प्रो को इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो ये कैसे अमेजोन इंडिया के वेबसाइट पे लिस्ट हो गया? कोई बंदा है जो सेल कर रहा है दो चार स्मार्टफोन्स को, लेकिन आप मत खरीदना, दूर रहना इस सेलर से, गूगल पिक्सल 6 प्रो से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही सैड भी है और अच्छा भी है। पहली बात मैं आपको सैड न्यूज दे देता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में डिले हो गए हैं, वो थोड़ा सा लेट से लॉन्च होंगे। ये जो अनपैक्ड इवेंट होने वाला है ना परसों, उस इवेंट में इंडिया में लॉन्च नहीं होंगे S22 सीरीज के स्मार्टफोन्स, वो मार्च के 11 तारीख के आसपास लॉन्च होंगे, मतलब कि एक महीने का डिले हो गया है। तो ये तो हो गया सैड अपडेट। अब अच्छे अपडेट की बात कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन्स होंगे, वो सारे स्मार्टफोन्स ओशन वेस्ट के थ्रू बनाया जाएगा, मतलब कि जो ओशन है ना हम लोगों का, उसके अंदर जो मछली के जाल होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं, नेट्स होते हैं, उनको रिसाइकल करेगा सैमसंग एंड उनको यूज करेगा सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के स्मार्टफोन्स को बनाने के लिए, जो काफी अच्छी बात है। थोड़ा सा अपना एनवायरमेंट क्लीन हो जाएगा, सबके लिए अच्छी बात है ये। तो सैमसंग अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ कि इंडिया के लिए डिले हो गए सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के स्मार्टफोन्स। आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट एकदम एक्सक्लूसिव है, सबसे पहले आपका भाई आपको बता रहा है। देखो यार, पहले मैं आपको जॉन पॉस्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। जॉन पॉस्टर एक बहुत बड़े टिप्सर है ट्विटर पे, जो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हमेशा सही होता है। आप यकीन नहीं करोगे, जब आईफोन 13 सीरीज के आईफोन पिछले साल लॉन्च हुए थे, उस लॉन्च इवेंट में उस वक्त आईफोन 13 सीरीज का ये जो नाम है ट्रेंड कर रहा था, लेकिन वो दोस्तों आईफोन 14 सीरीज के आईफोन के रेंडर्स क्रिएट कर वो पूरे वर्ल्ड में आईफोन 14 सीरीज के नाम को ट्रेंड करवाए थे। सोच के देखो, आईफोन 13 सीरीज का इवेंट है, लेकिन आईफोन 14 सीरीज के आईफोन ट्रेंड कर रहे हैं हर जगह पे।
तो वो काम जॉन पॉशर किए थे, वही सबसे पहले बताए थे कि पंचोल के साथ आएंगे नए आईफोन्स, आईफोन 14 सीरीज। खैर जो अपडेट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आईफोन SE 3, आईफोन SE 2022 या फिर आईफोन SE+, आप जिस नाम से बुलाना चाहते हो बुलाओ, ये जो फोन है ना ये दोस्तों लगता है जॉन पॉशर के हाथ में लग गया है, क्योंकि एक फोटो बाहर आ गया जहां पर आप देख सकते हो जॉन पॉशर आईफोन SE 3 को पकड़े हुए हैं। हालांकि वो अभी ऑफिशियल तौर पर इसको अनवील नहीं किए हैं, ये गलती से बाहर आया है फोटो, लेकिन अपने को अंदाजा लग जाता है कि आईफोन SE 3 वाकई में कैसा दिखाई देगा, पुराने मॉडल के जैसे ही रहेगा और आईफोन XR का थोड़ा फीलिंग आ रहा है। वैसे मार्च की 8 तारीख का कुछ डेट वगैरह तो आया था, मैं आपको बताया था शनिवार को, तो मार्च में लॉन्च तो हो जाएगा आईफोन SE 3, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ अभी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, 2-3 दिन बाद ही पता चल जाएगा, जॉन पॉशर खुद ही बताएंगे। तो एक्साइटेड हो कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट भी काफी झकास है, GTA 5 का इनहेंस एडिशन आने वाला है, रॉकस्टार इसको खुद ऑफिशियली लॉन्च करेगा, रिलीज करेगा मार्च के 15 तारीख को PlayStation 5 के लिए, Xbox सीरीज S के लिए, Xbox सीरीज X के लिए। ये दोस्तों GTA 5 का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा, ग्राफिक्स और भी इम्प्रूव हो जाएंगे और भी तरह तरह का चीज़ वो ऐड करेगा, साइड में आपको मैं दिखा दूंगा देख लेना। तो काफ़ी अच्छी बात है यार, बहुत टाइम बाद GTA 5 ऑफिशियली अपग्रेड हुआ है, आई होप सो कि इसका हालत वो GTA के डेफिनेटिव एडिशन की तरह ना हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला दोस्तों आज एक नया पेटेंट किया है एक फ्लिपेबल फ़ोन का, जो दोस्तों दोनों तरफ से फ्लिप हो सकता है। अभी हम लोगों को जो भी फ्लिपेबल फ़ोन मिलते हैं क्लैम शेल टाइप के, वो दोस्तों सिर्फ आगे हो पाते हैं, लेकिन वो ऐसे भी हो पाएगा, पीछे से भी हो पाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लिपेबल स्मार्टफोन है, हो सकता है ये जो है फ्लिपेबल स्मार्टफोन ये अपकमिंग मोटो रेजर हो, शायद ये वही हो, लेट्स सी, कुछ अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी A13 4G की तरफ से। अगर आपको नहीं पता है तो सैमसंग गैलेक्सी A13 5G आज से ठीक 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखो सब पता चल जाएगा। तो इसका जो 4G वेरिएंट है आज ब्लूटूथ के SIG सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है एंड्रॉइड 12 के साथ, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 मिलेगा, कुछ अगर पता चलेगा तो बताता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अच्छा है, जो मैकबुक प्रो का जो एंटी लेवल वाला वर्जन होगा ना उनमें तो आपको M2 चिप्स देखने को मिलेंगे एप्पल के, जो नए वाले इस बार लॉन्च हुए हैं ना वो वाले चिप्स देखने को मिलेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग बात है यार। और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन तो है कि मार्च में एप्पल का लॉन्च इवेंट है, क्या पता ये नए मैकबुक्स उसी लॉन्च इवेंट में डेब्यू कर लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Honor 60 SE की तरफ से, इसका जो लॉन्च डेट है ये कल बता दिया जाएगा, कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अच्छा है, टेस्ला दोस्तों हमारे इंडियन गवर्नमेंट को कहता है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी को प्लीज कम कर लीजिए, क्योंकि हम अपने कार को स्टार्टिंग में इंपोर्ट करवा कर इंडिया में सोल्ड करेंगे, हम लोग इतने जल्दी नहीं बना सकते अपने कार्स को इंडिया में। लेकिन जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि हम इंपोर्ट ड्यूटी को कम नहीं करेंगे, आप इंडिया में आओ अपने कार्स को यहीं पर बनाओ फिर सोल्ड करो, जो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों के लिए अच्छी बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है जियो की तरफ से। तो मुंबई में और भी कई जगहों पे जियो का आउटेज हो गया था, जियो नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा था, जियो इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो जिन लोगों को ये दिक्कत हुआ है उनको 2 दिन के लिए जियो अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहा है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और 2 दिन तक आप अनलिमिटेड इंटरनेट यूज करोगे। आप ये बताओ कि आप 2 दिन में क्या ही कर लोगे, बताओ 2 दिन में अनलिमिटेड इंटरनेट अगर आपको मिल जाए तो आप क्या क्या डाउनलोड करोगे, आप कमेंट करके बताना मुझे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे तो काफी प्राउड फील करोगे, हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना ये दोस्तों एक नया सुपर कंप्यूटर बना दिए हैं, परम प्रवेगा, जो दोस्तों 3.3 पेटाफ्लॉप के कैपेसिटी के साथ है, जो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हो इतना ज्यादा कैपेसिटी है। और यहाँ पर आपको एनवीडिया का टेस्ला 100 GPU देखने को मिल जाएगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ देख लो यार, ये अभी तक का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है इंडिया में, जो बहुत ही अच्छी बात है यार। और जितने भी इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं ना वो ज्यादातर इंडिया में ही बनाए गए हैं, ये भी दोस्तों काफी प्राउड बात है हम लोगों के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy Tab S8 Ultra की तरफ से, जो फरवरी के 9 तारीख को लॉन्च हो जाएगा S22 सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ। उसका एक लाइव इमेज आ गया, धुंधला है लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसा दिखाई देगा, नॉच रहेगा, ठीक है नॉच रहेगा। वैसे तो अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कितना बड़ा टैबलेट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टैबलेट होगा,
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे तो आप थोड़ा सा सैड महसूस कर सकते हो। करीबन मैं आपको दिसंबर के मंथ में बताया था ना कि वीवो पैड डिले हो गया है। वीवो का जो टैबलेट है वो आपको अगस्त सितंबर के आसपास दिखाई देगा, लेकिन अब वो और डिले हो गया है, अब आपको दिसंबर के आसपास तक दिखाई देगा। मतलब कि इस साल के अंत तक वीवो अपने टैबलेट को लॉन्च करेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट एकदम एक्सक्लूसिव है, सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा। मोटो एज एक्स 30 ये फरवरी के 24 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। ऑफिशियल पोस्टर्स आ चुके हैं और ये अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी वाला वेरिएंट होगा, जो बहुत ही ऑसम बात है। वैसे अगर आप मोटो एज एक्स 30 के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था चाइना में, वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो, अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। तो काफी अच्छी बात है यार, जैसा मैं बोला था वैसे ही हुआ कि इस महीने में आपको मोटो एज एक्स 30 लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, मार्च में मोटो G200 लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट क्विक है लेकिन आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। Xiaomi 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्द ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। जब ग्लोबली लॉन्च हो जाएंगे तो फिर इंडिया में भी आ जाएंगे। आज ऑफिशियली Xiaomi ग्लोबल टीज करना चालू कर दिया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही फिनोमिनल है। Realme 9 Pro Plus का रिटेल बॉक्स का प्राइस बाहर आ चुका है। देख लो यार, 25,000 रुपए इसका प्राइस है रिटेल बॉक्स में। दैट मीन्स हम लोगों को रियलिटी में 22 या फिर 23,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा, मान के चलो 22-23 के बीच में, ठीक है। तो अब आपको प्राइस भी पता चल गया यार, और वैसे भी तो 15-16 तारीख को लॉन्च हो ही रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट भी बहुत ही झकास है, जैसा कि मैं आपको बहुत ही लंबे टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ कि पोको M4 Pro 5G भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, फरवरी के मंथ में ही लॉन्च होगा। तो आज पोको इंडिया ऑफिशियली टीज करना चालू कर दिए हैं कि पोको M4 Pro 5G पहले लॉन्च होगा, उसके बाद पोको X4 5G लॉन्च होगा, ठीक है ना। तो खुश हो जाओ यार। वैसे भी अगर आप पोको M4 Pro 5G के बारे में जानना चाहते हो तो ये 3-4 महीने पहले ग्लोबली लॉन्च हुआ था, वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा डिटेल में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme Narzo 50 की तरफ से। ये भी दोस्तों बहुत सारे सर्टिफिकेशंस पे लिस्ट होना चालू हो गया है। अकॉर्डिंग टू रूमर्स आपको मार्च के महीने में ये लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, Realme Narzo 50 और Realme Narzo 50 Pro। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है क्रोम की तरफ से। तो क्रोम का लोगो चेंज हो गया है, देख लो यार, अब आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा। ज्यादा कुछ फर्क पता नहीं चल रहा है, जो शैडोस है उसको हटा दिया गया है और भी मिनिमलिस्टिक कर दिया गया है, देखने में अच्छा लग रहा है। जो बीच का सेंटर है ब्लू कलर का, उसको भी बड़ा कर दिया गया है, उतना पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक आम इंसान उतने अच्छे तरीके से इसको पहचान नहीं पाएगा, उसको तो यही लगेगा हाँ भाई वही लोगो है, ठीक है। वैसे 8 साल बाद चेंज हुआ है ये। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 90 लाइक का, कर दो यार जल्दी से। चैनल पे नया गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को ही दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। With the bills.